राज्यसभा आज पारित होई केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन बिल बिल उपरे आलोचना अवसर में केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्रे हो सारी तेलंगाना सरकार को असहयोग विलंब है जनजाति विषय में विशेष अध्ययन करद्यालय बेस सहायक होसह नूतन शिक्षानी को प्रति राज्य आपणा केन्द्रमंत्री से परिवारवाद को नहीं बर्षि केन्द्रमंत्री स्वाधीनता परे गोटे परिवार ही निजो को सर्वे सर्वा बा निजो को ही देश भावी नहीं थिला सरदार पटेल को सम्मान मिली नथिले हेले एबे प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई तांकु सम्मानित करथिले एहा सह इतिहास परिवर्तनर आरोप रे जवाब दे केन्द्र शिक्षामंत्री कहिछन्ते भगवान बिरसा मुंडांक जयंती को जनजाति गौरव दिवस भाव पालन करिबा कोन इतिहास परिवर्तन करिबा कि देशर जनता दुई थर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद करिछन्ते तृतीय थर मध्य मोदी ग्यारंटी ही रहिबो बोली कहिथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। उपाध्यक्ष जी जानबूझ के कुछ एक तत्व ऐसे एक सामंतवादी मानसिकता में ग्रस्त हो गए थे आजादी के उपरांत, जैसे ही वही देश है उन्हीं की खानदानी देश की मालिकियत रखती है, ऐसे परंपरा ऐसे कुछ लक्षण देश के कुछ अन्य राज्यों में भी दिखने को मिलता है, जैसे एक दो फैमिली ही उस राज्य की मालिकियत उनके पास है, जैसे एक देश एक घर की परिवारवाद में चलता है। लेकिन तथ्य तो ऐसे नहीं कहते था, ऐसे सारे छुपे हुए तथ्य को नरेंद्र मोदी जी ने पण किया है देश के सामने लाने के लिए। क्या सरदार पटेल जी को सम्मान करना नहीं चाहिए था? इस सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को देश भूल सकता है? इसीलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के सरदार पटेल को गौरवान्वित किया। अभी हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, अभी मेरे मित्र अर्जुन मुंडा जी उल्लेख कर रहे थे 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ये तो अभी नहीं बना है, ये तो इतिहास का हिस्सा है, हम इतिहास बदल रहे हैं। हमने कहा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, लंबी लकीर हमने खींचा। अगर किसी को इसी में आपत्ति है हम क्या कर पाएंगे? जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।